आज मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। ड्राई फ्रूट्स लड्डू के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमसे मखाना, मैंने लिया 1 कप मखाना, 1 कप तरबूजा का बीज, अखरोट 1 कप, आधा कप लिया है काजू, बादाम 1 कप, इलायची पाउडर 5-6 इलायची कूट कर लिया है, पाव गुड़ 1 कप, सूखा नारियल आधा कटोरी। हम ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अलग अलग से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में गुड़ डाल देंगे और इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। गुड़ में झाग आने तक हम इसको इस तरह चलाते रहेंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, गुड़ में झाग आ चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, ये सारा ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे और फ्लेम सीम कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसको लड्डू बना लेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार हो चुका है। ये विंटर के लिए बहुत फायदेमंद है।